हल्का समालखा से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्मवीर सिंह चोकर के वर्ष 2019 से हल्के के सभी गांव से खानपुर मेडिकल के लिए आम जनता की सुविधाओं के मद्देनजर फ्री बस सेवा चला रखी थी। इसी के साथ ही हल्के से अन्य शहरों में पढ़ने के लिए जाने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं के लिए भी फ्री बस सेवा शुरू कर रखी थी। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के चलते कुछ समय के लिए ये सुविधा बंद कर दी गई। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये सुविधा दोबारा से शुरू कर दी गई है। उक्त जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार धर्म सिंह चोकर ने कहा है, इसी कड़ी में बुधवार को महिला स्पेशल दो बसों को पुराना बस स्टैंड से कार्यकर्ताओं ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस बार पूर्व विधायक धर्म सिंह चोकर की विधानसभा चुनाव में हार होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर धर्म सिंह चोकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हल्का मेरा परिवार है, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, हार जीत तो लगी रहती है। हल्के की मेरी माता बहनों और बुजुर्गों के मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दिया जाएगा। सभी हल्के की जनता की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए खानपुर के लिए 3 बस सेवा, महिलाओं के लिए 2 बस सेवा निरंतर जारी रहेगी। महिला एक्सप्रेस बस में जिसमें CCTV कैमरे लगे हैं, GPS ट्रैकिंग सिस्टम से कनेक्ट है, इसके जरिए परिजन अपने अपने बच्चों पर नजर रख सकेंगे। इस सुविधा से परिजन अपने बच्चों को लेकर चिंता मुक्त रहेंगे कि उनके बच्चे किस स्थिति में है। ये दोनों बसें प्रतिदिन बस स्टैंड से चलेगी। वहीं दोबारा बस सेवा शुरू होने से हल्के के ग्रामीणों में खुशी की लहर बनी हुई है। मैं अपने जाबाज कार्यकर्ताओं का, साथियों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरी समालखा हल्के की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे 61,000 करीब वोट दिए हैं। और मैं हमेशा समालखा हल्के की जनता का, मैं और मेरा परिवार आभारी रहेंगे। जहाँ तक बात सामाजिक सेवा की है, मुझे समालखा विधानसभा क्षेत्र में जबान का धनी कहा जाता है और मैं आज अपनी तरफ से दोबारा घोषणा करता हूँ, जो खानपुर PGI बसें, 2 खानपुर PGI बसें चल रही थी और जो लड़कियों के लिए बसें चल रही हैं आटा जुरासी से समालखा, इधर सोनी दमसोली कुराड़ से पानीपत, ये हमेशा जब तक मैंने पहले भी कहा था, जब तक भगवान ठीक रखे, भगवान की कृपा रहेगी तो हमेशा ये बसें सामाजिक सेवा हमेशा चालू रहेंगी। और मैं जिन सोशल मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने जो ये सोशल मीडिया वीडियो वायरल की है, मैं इनको कहना चाहूँगा ऐसी गलती आगे ना करें, मेरी सेवाएं हमेशा चालू रहेंगी। और कुछ दिन का 3-4 दिन का गैप इसलिए आ गया था तो उसमें हमने पोस्ट लगाने के लिए भेजा हुआ, सर्विस कराने के लिए गाड़ी भेजी हुई है। हमारी सामाजिक सेवाएं, चाहे बस सेवा हो, चाहे फोकिंग मशीन हो, जल सेवा हो, कन्याओं की शादियां हो, ये हमेशा जारी रहेंगी। मैं अपनी तरफ से फिर समालखा हल्के की जनता का, अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद आपका, अपना धर्म सिंह चोकर, पूर्व विधायक समालखा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।